हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं ललितपुर से सागर के लिए, और ये लगभग 100 किलोमीटर यहां से दूर है। सागर मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, एक जिला है, बहुत ही सुंदर जिला है। और चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ललितपुर से सागर, और बीच में जो भी रास्ता में जो भी रास्ते में जो पड़ेगा वो हम आपको दिखाएंगे, और सीधे चलते हैं सागर। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ललितपुर का, और यहाँ से सीधे रास्ते पर हम जा रहे हैं और आगे आएगा बस स्टैंड। फिलहाल बस स्टैंड आ चुका है, ये ललितपुर का बस स्टैंड है। यहाँ से ललितपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं, और अधिकांशतः प्राइवेट बसें ही ज़्यादा चलती हैं। चलिए, मुझे भी सागर के लिए बस मिल गई है। फिलहाल मैं बस में बैठ चुका हूँ और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी बस हाईवे पर आ गई है, और ये हाईवे NH 44 है जो कि सागर से होते हुए आगे निकलेगा। फिलहाल ये हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए, और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ये मालथौन जगह है, ये सागर जिले की तहसील है। इस वक्त हम बस में हैं और ये ओवर ब्रिज से जा रहे हैं। नीचे शहर है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कनकदर वाटरफॉल जाना है तो यहाँ से एक रास्ता है, आप जा सकते हैं। और इस शहर की एक खास बात है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो वंशज कहलाते हैं वो लोग रहते हैं, और आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी जनसंख्या में है यहाँ पर। फिलहाल हम लोग सागर की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आप ये सामने पहाड़ देख रहे हैं ये विंध्याचल की श्रेणियाँ ही हैं, और ये ललितपुर से शुरू होती हैं और ये मिर्ज़ापुर तक जाती हैं, और ये एक डिवाइडर का भी काम करती हैं यूपी और एमपी में। आप इस समय बॉर्डर पर चल रहे हैं और हम लोग फिलहाल सागर के नज़दीक हैं, और यहाँ पर और बड़े बड़े पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ जैसे कि आप देख सकते हैं दिख रहे हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, और हम लोग पहुँचने वाले हैं शहर सागर। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हम सागर में पहुँच चुके हैं, और ये सागर का कटरा मार्केट है। हम लगभग बीचों बीच शहर के हैं, और शहर के अगल बगल बहुत अच्छे जगह हैं। और लेकिन फिलहाल मैं आपको शहर से शुरू करता हूँ। यहाँ सागर में क्या क्या था घूमने के लिए? मकरोनिया के आगे बड़े शंकर जी, और अच्छा पक्का है ना, अपन भी है क्या? आप यहीं के हैं, लोकल है जी, इसीलिए हमें तो अगल बगल बहुत अच्छा लग रहा था यार, पहाड़ों से। हाँ, बस यही है कि आपको देखने लायक चीज है अपनी यूनिवर्सिटी। ये कौन सा चौराहा आ गया? ये आ गया अपना अपरा टाकी भगवानगंज अपरा टाकी अप्सरा टाकी अप्सरा टाकी ये अप्सरा टाकी जो बंद हो चुकी है, ये अप्सरा टाकी है, ये बंद हो चुकी है। ये काम लगा हुआ है अभी। हाँ, ये स्मार्ट सिटी का काम लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी बना।
अच्छा, ये सागर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे आप? हाँ। अच्छा अच्छा, पहले अच्छी बड़ी सिटी को मिटा रहा है। अच्छा, बनी बनाई सिटी को पहले मिटाएंगे, उसके बाद स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लाखों रुपए लगाया पहले रोड में, फिर रोड की खुदाई कर दी। चौथी बार खुदाई हुई है ये रोड। ऐसी हो गई जैसे साली 15 साल पुरानी गाड़ी। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है, कब तक बन जाएगी स्मार्ट सिटी भाई? यार अब अपना तो अनुमान ये है कि हमारे ना मरने के पहले पहले देख ले। बस देख सकते हैं। अच्छा यार, हम तो कभी कभी यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को बता पाएंगे कि नहीं, कि बेटा ये हमारे सामने ऐसा ऐसा था और ऐसा हुआ। अच्छा, हमारे दादा बाप तो कभी सुना नहीं पाए हम लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को कुछ बता जाए कि हमारी सिटी ऐसी थी, इतना अच्छा सारा हमारा झील था। तालाब देखा आपने जिसमें पुल बन रहा है? नहीं नहीं, अभी तालाब नहीं देखा। मेन बस स्टैंड के बाहर। अच्छा, उसमें से ब्रिज निकाल रहे हैं वो रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो आज से मालूम है आपको 4 साल हुआ है बनते हुए। अच्छा, हाँ 4 साल से बन ही रहा है। बन ही रहा है वो, जबकि अपने हिसाब से कि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उसको 2 साल में कंप्लीट हो जाने। ये कहाँ पहुँच गया बल लोग? कबूला पुल। कबूला पुल आ चुके हैं। अच्छा, शनि देव मंदिर ये बना। ओके ओके, ये लग गया अपना यहाँ से सदर बाजार। अच्छा, ये सदर बाजार। हाँ, कैंट एरिया लग गया। बिल्कुल, यहाँ से छतरपुर जबलपुर जम्मू के लिए रास्ता है, झांसी के लिए। जगह को लिखा है कबूला पुल। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत तेजी से बारिश होने लगी है, और आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया है। रोड पर कोई नहीं है, अब लग नहीं रहा है कि हम कहीं जा पाएंगे या आगे आपको दिखा पाएंगे सागर में। तो चलिए, अब हम रिटर्न होते हैं ललितपुर के लिए। और देखिए दोस्तों, बहुत ज़ोरों से बारिश लगी है, और आप मौसम भी देख सकते हैं कि अभी ये बारिश घंटे दो घंटे जाने वाली नहीं है, बहुत घनघोर बारिश हो रही है, जबरदस्त। और दोस्तों, हम लोग ललितपुर वापस आ रहे हैं, और कंटिन्यू बारिश जब से लगातार चालू है दोस्तों, अभी आपने कल्पना की होगी कि बारिश हो रही हो, आप यात्रा कर रहे हैं, और आज मेरे साथ, मेरी कल्पना तो फिलहाल पूरी हो गई है, आज बहुत झमाझम बारिश हो रही है, और मैं आज बहुत लंबी यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि ललितपुर यहां से लगभग 100 किलोमीटर आगे है। फिलहाल हम NH 44 पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सामने, ये ललितपुर के लिए कनेक्टिविटी है, और अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं शाम का समय है, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और सामने आप देख सकते हैं, बारिश कम नहीं हुई है, हल्की फुल्की है, लेकिन बादल बहुत जोरों से बने हुए हैं, और लग नहीं रहा है कि आज मौसम साफ होगा, बारिश होगी ही होगी, 2-4 घंटे तो होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सागर है, ललितपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप बस से जा सकते हैं, तो बस से सीधे ललितपुर से बसें मिलती हैं, और जिसमें किराया 150 रुपये है,
और आप ट्रेन से भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेन ललितपुर से सीधे नहीं जाती है सागर के लिए। यहाँ आपको ललितपुर से बीना जाना पड़ेगा, बीना से फिर आप सागर के लिए जाएंगे। तो एक दो ट्रेनें हैं जो कि ललितपुर से सीधे सागर पहुंचाती हैं, जैसे गोंडवाना एक्सप्रेस हुई और दो तीन हैं, और पर्टिकुलर सागर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, एक चक्कर काटना ही पड़ता है। चलिए तो अब दोस्तों लेट हो गए हैं, रात हो गई है, और हम अभी बारिश की वजह से बॉर्डर पर हैं, ये चेक पोस्ट है, और हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। चलिए देखते रहिए, थैंक यू।